नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। जी हां, 5 बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। टीम इंडिया ने डबलिन में दूसरा टी20 मैच जीतकर इतिहास रच दिया। रनों के लिहाज से ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी जीत है और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। 143 रनों से हराया है आयरलैंड को और दिखा दिया है कि भाई क्यों ये टीम इस बार यूरोपीय दौरे में काफी खास नजर आ रही है। इस टीम में 5 चेंजेस किए गए विराट कोहली द्वारा। कप्तान विराट कोहली खुद ओपनिंग करने आए। रोहित शर्मा को 4 नंबर पर ट्राई किया गया, हालांकि रोहित शर्मा 4 नंबर पर कुछ खास नहीं कर पाए। और तो और भाई महेंद्र सिंह धोनी, जो टीम इंडिया की शायद रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उनको टीम से ड्रॉप किया गया। अब इसलिए नहीं कि उन्हें बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बाकी खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया। बाकी खिलाड़ियों ने अपना लगभग 100% दिया। यहां पर जीत के सितारे रहे केएल राहुल, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। केएल राहुल ने 70 रनों की जानदार पारी खेली महज 36 गेंदों में और टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। लेकिन आखिरी में टीम इंडिया के बड़े रन रेट को पहुंचाने में जो काम किया वो किया कुंगफू पांड्या। जी हाँ, कुंगफू पांड्या ने एक बार फिर दिखा कि क्यों वो इंडिया के बहुत ज्यादा डिपेंडेबल प्लेयर होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। बल्लेबाजी में उन्होंने महज 9 गेंदें खेली, 32 रनों का योगदान दिया, जिसमें 4 जानदार छक्के और अपनी पारी से दिखा दिया कि भाई क्यों उन्हें कुंगफू पांड्या कहा जाता है। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने हालांकि टीम से तो बाहर थे, लेकिन एक ऐसा बड़प्पन दिखाया जिससे देखकर हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करने लगा। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो टीम से बाहर किया तो गया था, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर होने के बावजूद वो सभी को पानी पिलाते नजर आए। इवन सुरेश रैना जब बल्लेबाजी कर रहे थे 69 रनों की उन्होंने पारी भी खेली, उन्हें उनके जूतों के फीते बांधते नजर आए। और कहीं ना कहीं मनीष पांडे का जब बैट टूट गया था तो बैट का भी पूरा सपोर्ट करते नजर आए। कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें इंडिया की आन-बान और शान कहा जाता है। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, दिखा देते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में क्या है आज की 5 बड़ी खबरें। विराट ने किया धोनी को टीम से बाहर। मैदान पर धोनी ने खिलाड़ियों को पिलाया पानी, रैना के जूतों के फीते भी बांधे। मैदान पर दिखा धोनी का बड़प्पन, खिलाड़ियों को दिया खास संदेश। आपको बता दें कि टीम इंडिया विराट कोहली की शान कही जाती है। आपको बता दें कि विराट कोहली की टीम ने एक बार फिर से आयरलैंड में सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इस सीरीज के दूसरे टी20 में कुछ ऐसा देखने को मिला जो काफी हैरान कर देने वाला था। दरअसल इस पूरी टीम में दूसरे टी20 में 5 चेंजेस किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा चेंज था महेंद्र सिंह धोनी का टीम से बाहर होना। धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को टीम में मौका दिया गया। हालांकि ये बात समझी जा सकती थी कि महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि वो इंग्लैंड के दौरे के लिए पूरी तरह से अपने आप को फिट महसूस करना चाहते थे। साथ ही बेंच स्ट्रेंथ को भी पूरी तरह से परखना था। लेकिन मैदान में बीच में कुछ ऐसा दिखा जो काफी ज्यादा भावुक था। बता दें आपको कि जब सुरेश रैना और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए और सुरेश रैना और केएल राहुल को पानी भी पिलाया, साथ ही सुरेश रैना के जूतों के फीते भी बांधे। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर में पहली बार ड्रॉप हुए थे। इसके बाद मनीष पांडे के टूटे हुए बल्ले को भी उन्होंने ग्राउंड में आकर बदला। कहीं ना कहीं धोनी का बड़प्पन साफ नजर आया। डबलिन में खेले गए दूसरे अंतरराष्ट्रीय टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने कुंगफू पांड्या की पारी की बदौलत 143 रनों से आयरलैंड को शिकस्त दी। बता दें आपको कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 213 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य आयरलैंड के सामने रख दिया था। इसके बाद केएल राहुल और सुरेश रैना की जानदार 106 रनों की साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। बस जरूरत थी तो एक्सेलरेशन की, और वो एक्सेलरेशन प्रदान किया हार्दिक पांड्या ने। जी हां, कुंगफू पांड्या ने एक बार फिर अपनी शानदार पारी का एक ट्रेलर दिखा दिया। बता दें कि पांड्या ने 9 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 213 रनों तक स्कोरबोर्ड पर पहुंचा दिया। बता दें हार्दिक पांड्या ने अपनी 9 गेंदों की इस छोटी सी पारी में 4 शानदार छक्के जड़े और एक जानदार चौका भी जड़ा। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की इस शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने डबलिन में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और रनों के लिहाज से टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी T20 फॉर्मेट में जीत रही। Start your career with us. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहाँ के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि हाल ही में हसीन जहाँ ने मोहम्मद शमी पर एक और संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो शमी को तलाक नहीं देना चाहती, लेकिन शमी उनसे ज़बरदस्ती तलाक मांग रहे हैं और पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। साथ ही हसीन जहाँ ने यह भी कहा कि मोहम्मद शमी जल्द ही दूसरा निकाह भी कर सकते हैं क्योंकि वो किसी से बात कर चुके हैं शादी की। हसीन जहाँ ने यह भी खुलासा कर दिया कि मोहम्मद शमी उनके बड़े भाई हसीब अहमद के किसी रिश्तेदार से शादी करने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मोहम्मद शमी दूसरा निकाह करेंगे। खैर, हसीन जहाँ के इन संगीन आरोपों के बाद शमी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर मैं दूसरा निकाह करूंगा तो मैं हसीन जहाँ को जरूर अपने निकाह में बुलाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा कोई मूड नहीं बनाया है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहाँ के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में ताज़ा अपडेट ये आया है कि हसीन जहाँ जब अमरोहा पहुंची थी और पुलिस के सामने ये बात रखी थी कि वो अपना और अपनी बच्ची का हक शमी से मांगेंगी और वो शमी के घर में रहना चाहती हैं। इस पर पुलिस ने मोहम्मद शमी से पूछताछ की और मोहम्मद शमी को हसीन जहाँ को घर में रखने के लिए कहा, तो ये खबर सामने आ रही है कि साफ तौर पर शमी ने मना कर दिया है। शमी के मुताबिक अगर हसीन जहाँ ने जिस तरह के एलिगेशन लगाए हैं उनके ऊपर अगर वो घर पे रहती हैं तो एक बार फिर से एलिगेशन लगा सकती हैं और ये उनके और उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जाता हम दोनों अलग ही रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड के खिलाफ जिस तूफानी अंदाज में बैटिंग की उसे देख कोई भी उनकी बल्लेबाजी का फैन बन जाएगा। इस फहरिस्त में एक नया और स्पेशल नाम जुड़ गया है। स्पेशल इसलिए कि ये फैन कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा है। अब आयरलैंड में हार्दिक छक्के पर छक्के लगा रहे थे तो जीवा उन्हें चीयर कर रही थी। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक वीडियो सोशल साइट पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें जीवा उन्हें चीयर करती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि कम ऑन हार्दिक कम ऑन। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ओह मैंने खुद को एक चीयर लीडर पाया है। उन्होंने इस वीडियो को जीवा और उनकी मां साक्षी धोनी को टैग किया है। हार्दिक पांड्या ने स्लॉग ओवरों में उतरते ही तूफानी बैटिंग शुरू की और देखते ही देखते सिर्फ 9 गेंदों में 32 रन ठोक डाले। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 350 से ऊपर का रहा। उन्होंने इस नाबाद पारी में 4 छक्के और सिर्फ एक चौका लगाया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में आयरलैंड के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। मेजबान टीम इस विशाल स्कोर के सामने पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 12.3 ओवरों में सिर्फ 70 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के किट अप चैलेंज को स्वीकार करते हुए शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। विराट कोहली ने इस वीडियो में पैड, हेलमेट, ग्लव्स और गार्ड्स को पहनते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने किट अप चैलेंज के लिए पार्थिव पटेल को नॉमिनेट किया है। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को एक नए तरह का फिटनेस चैलेंज दिया। तेंदुलकर ने किट अप चैलेंज देते हुए लोगों से खेलने के लिए बाहर निकलने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की गुजारिश की थी। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हम फिट तो इंडिया फिट फिटनेस चैलेंज को आगे ले जाते हुए तेंदुलकर ने फिट और स्वस्थ रहने के लिए खेल के महत्व पर जोर दिया था। सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली, महिला क्रिकेटर मिताली राज, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, बॉक्सर चैंपियन विजेंदर सिंह, हॉकी स्टार सरदार सिंह और बैडमिंटन स्टार किदम्बी श्रीकांत को किट अप चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया था। तो देखा आपने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने हर किसी का दिल जीता और टीम इंडिया ने भी बड़ी जीत के साथ इंग्लैंड को दे दी चेतावनी कि भाई हम तो तैयार हैं, अब आप अपने घर में तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार हमारी टीम बहुत शानदार है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल Next9 Sports को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।